Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Baby, I love you. Will you be my life and life partner? And I want to grow old with you. Will you marry me? मुझे पता है आंसर. I will grow old with you and I will always be your life partner. And everything, I will be totally there with my Percy, always, till my last breath. Thank you. वैसे बहुत सालों से वैलेंटाइन नहीं मनाया है हमने. एंड हमारे लिए एक्चुअली पर्सी और मेरे लिए दोनों के लिए ये कोई एकदम कोई खास ओकेजन है नहीं. वी डोंट रियली बिलीव इन वैलेंटाइंस डे, वन डे फॉर लव. एवरीडे इज अ वैलेंटाइंस डे फॉर पीपल हु लव. सो यस, तो हमारे लिए एक ऐसी चीज होती है कि कभी भी पर्सी ने कुछ अच्छी सरप्राइज दे दी तो कभी हम दोनों फ्री है तो डिनर डेट पे चले गए, या कभी एक दूसरे को गिफ्ट दे दी. ओकेजन या नो ओकेजन, वी लाइक टू डू दिस फॉर ईच अदर. तो मुझे ऐसे एक स्पेशल डे सेलिब्रेट करना, वी डोंट वेट फॉर अ स्पेशल डे लाइक वैलेंटाइंस डे के अरे उस दिन पे हम बाहर जाएंगे कुछ खाएंगे. नो, सरप्राइज देना है एनी टाइम एनी डे. It's a Valentine's Day for us. Well, propose to, I love you. Will you be my girlfriend? ये सब हमारे दोनों में हुआ ही नहीं. Percy ने straight पूछा, will you marry me? हाँ, straight पूछा, will you marry me? तो I think हमारी love story काफी अलग है. हमारी love story बाकी जो love stories होती है जहाँ पहला प्यार होता है या कॉलेज में क्रश होता है या ऐसे एक दूसरे को देख के एकदम पिघल गए, वैसा वाला यंग लव जिसे बोलते हैं, जो 18, 19, 20 टीनेज लव वैसा तो कुछ है नहीं. हम एक्चुअली लाइफ के एक दूसरे फेज में जाकर हमें एक दूसरे से हमारी मुलाकात हुई. हम दोनों की लाइफ्स काफ़ी गड़बड़ चल रही थी हमारी लाइफ्स में. तो हम एक्चुअली एक हमारी लाइफ का एक फेज़ ख़त्म हो चुका, क्या कहूँ, एक पड़ाव ख़त्म हो चुका था. एंड हम तब मिले जब हमें एक दूसरे की बहुत ज़रूरत थी, शायद एक सहारे की बहुत ज़रूरत थी. सपोर्ट सिस्टम. तो आई थिंक आई वुड प्रोबेबली से कि आर लव स्टोरी इज़ अ वेरी मैच्योर लव स्टोरी वेयर लव बाद में हुआ. फर्स्ट इट वॉज फ्रेंडशिप, इट वॉज कंपेनियनशिप, इट वॉज अ टोटल अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट फॉर ईच अदर, नोइंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को अपने दुख और से खींच के बाहर लेके आना, जहाँ जिस फेस से हम लोग गुजर रहे थे, उसके बाद प्यार हुआ और एक अच्छी जर्नी शुरू हुई. एंड एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगे, उसके बाद हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में आ गए. एंड बस वेल, पहली बात तो हाँ बोला ही नहीं है मैंने. दिलनास को मैं पहली बात तो बोलता हूँ कि शी इज एन एक्ट्रेस ऑन टेलीविजन. ओके, फॉर मी शी इज दिलनास. ओके, अ पर्सन, अ नाइस ह्यूमन बीइंग. सो हाँ, मैंने प्रपोज किया, काफ़ी बार किया मैरिज के लिए. पहली बार तो डर डर के किया कि क्या रिस्पॉन्स आएगा, हाँ बोलेगी नहीं बोलेगी, बट देयर वाज नो रिप्लाई. शी वाज लाइक देखेंगे, व्हेन द टाइम इज़ राइट वी विल गेट मैरिड. एंड काफ़ी बार प्रपोज कर चुका हूँ अब तक, और ना नहीं बोला है. उन्होंने बोला है कि जब टाइम सही होगा देखा जाएगा. So obviously ना ही है तो नहीं, बट आई थिंक हमारी जिस तरह से अब लाइफ है, हम लोग कोई अलग नहीं है. हम लोग वी आर एज स्ट्रॉन्ग एज अ मैरिड कपल. इनफैक्ट
आई वुड से कि काफी सारे मैरिड कपल्स से ज्यादा हम लोग स्ट्रांग हैं एज अ कपल. एंड जिस तरह से हम लोग एक दूसरे को समझते हैं, जिस तरह से हम लोग एक दूसरे की जो पिछली क्या बोल सकते हैं, जो एक्सपीरियंसेस है उनको समझकर हम एक मुकाम पे साथ में आए हैं, एक मोड़ पे साथ में आए हैं. आई थिंक वी हैव जस्ट बिकम स्ट्रॉन्गर एज यू पीपल एंड एज अ कपल. तो एंड ऑफ कोर्स अगर प्रपोज की बात हुई है तो यस, पर्सी ने काफ़ी बार मुझसे पूछा है, लेकिन मैं थोड़ी सी पागल किस्म की सुपरस्टिशियस औरत हूँ. मुझे थोड़ा सा एक कुछ हिसाब से दिक्कत है कहीं पे, डर है और वट एवर, जो भी आप वर्ड्स यूज करना चाहो. इसीलिए बट वी आर हैप्पी द वे वी आर. सो एक साइन तो करनी है डॉटेड लाइंस पे, सो अदरवाइज वी आर फार अबाउट से वी आर फार बेटर देन द मैरिड कपल इन दीस डेज. मुझे इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पसंद है. वो बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं. एक बार अगर कोई इंसान इन्हें पसंद आ गया या फ्रेंड्स बन गए, या इवन अगर स्ट्रेंजर भी है आपको मिले, आपको ज़रूरत है, तो ये हमेशा हेल्प करने फॉरवर्ड आ जाते हैं. लोगों की मदद करना, लोगों की केयर करना, तो आई लाइक दैट क्वालिटी अबाउट पर्सी. मुझे बहुत अच्छा लगता है वो. दूसरी चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है कि बहुत हर एक चीज़ में, अगर कोई भी काम उन्होंने लिया हाथ में, बी इट प्रोफेशनल या पर्सनल, जो भी, मतलब अगर किसी को प्रॉमिस किया है कि ये तेरा ये काम मैं करने वाला हूँ, तो काम वैसा होगा जैसे आपने कभी सोचा ना हो, एकदम टू द टी परफेक्ट. मतलब जब तक वो काम एकदम परफेक्ट नहीं होगा, पर्सी छोड़ेगा नहीं. वो एकदम अच्छी तरह से वो काम करके वो निभाएगा, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएगा. एंड दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट पर्सी. द टू थिंग्स दैट आई डोंट लाइक इज वो काफ़ी लेजी है, एंड वो काफ़ी हद तक थोड़े लेथार्जिक हो गए. मतलब जब हम मिले थे तो एकदम ऐसे, बट अभी थोड़े से बुड्ढा हो गया है, बुढ़ापा आ गया, शेर बुड्ढा हो गया है. फॉर डेलनास, आई मीन बहुत अच्छी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं उनमें. अच्छा बिहेवियर, नेचर, केयरिंग नेचर, सबको साथ में लेके चलना, उनको बहुत अच्छा लगता है. एंड शी इज़ सीनियर आर्टिस्ट, सो अगर जो एक सीरियल पे काम करते हैं या कुछ करते, तो ऐसा कभी जताया नहीं कि मैं सब आप लोग से सीनियर हूँ. वो ऐसे घुल मिल जाएंगे उनके साथ के जैसे उन्हीं का एक हिस्सा हो, उनको ऐसा फील नहीं करेंगे कि मैं आपकी सीनियर हूँ, मैं आप ही के लेवल में हूँ. एंड शी इज़ सुपर एट इट, तो एक कम्फर्ट जोन फील कराती है किसी को भी. एंड बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, और एक ही चीज़ मुझे उनकी पसंद आती नहीं है, बाकी सब अच्छा है. उनको एक OCD है, क्लीननेस फ्रीक, साफ सफाई उनको चाहिए, और हर बार थोड़ा तू मैं हो जाती है इस बारे में हमारे साथ, तो कि ये साफ नहीं है, ये तूने बराबर नहीं रखा उसको, ये तकिया ऐसा क्यों गिरा हुआ है, उसको ऐसे रख, ऐसे कप मैं ऐसे रख के गई थी, ऐसे कैसे हो गया, मैं तो ग्लास ऐसे रख के गई थी, ट्रे में दो ग्लासेस थे, ये एक कैसे हो गया. तो ये सारी जो घर पे मैं सुबह निकलती हूँ और ये मेरे बाद निकलते हैं काम पे, तो हम लोग जब पर्दे बंद करने होते हैं तो मैं भूल जाता हूँ, तो ये मेरे से पहले आ जाते हैं काम से, तो खिड़की के पर्दे बंद, खिड़की तो बंद है ना, मैं पर्दे भी चाहिए बंद मुझे, तो वो होता है. मैं खिन देती हूँ पर्सी. आई थिंक ये एक मेरी फैमिली में भी एक मजाक बन चुका था कि मैं खाना नहीं बना सकती अच्छा, लेकिन आई थिंक पर्सी ये सीक्रेट बता देंगे सबको कि मैं रियली अच्छा खाना बनाती हूँ. मैंने एक बार उनको बोला था कि आई वॉन्ट टू ईट खाना, आप बनाओ मेरे लिए, तो शीज़ लाइक मुझे आता नहीं है. सो आई रिमेंबर मेरा बर्थडे था एंड मुझे घर पे बुलाया गया, एंड आई सेड भाई घर पे क्यों, चलो बाहर जाएंगे ना खाना खाने, नहीं नहीं घर पे आओ फिर जाएंगे. एंड उन्होंने इतना अच्छा चिकन बनाया था, इट वॉज यमी. वी आर नॉन वेजिटेरियंस एंड मैंने, मतलब मुझे ये है कि अगर घर पे सुविधा है, कुक है, तो क्यों
अपना और भी कुछ काम कर सकते हैं, बट मतलब मैं थोड़ी सी ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ अच्छे से, लेकिन मुझे किचन में जाके कुक करना बहुत ही, यू नो, आई डोंट लाइक कुकिंग. लाइक सर्टन वुमेन रियली लव कुकिंग, कि वो यूट्यूब चैनल पे जाके अलग अलग डिशेस बनाना या अलग अलग ट्राई, मुझसे वो नहीं होता, मेरी एक वीकनेस है ये. बट मैं ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से कर सकती हूँ. अगर एक पार्टी हो तो मैं बोल सकती हूँ अच्छा ये कर लेना, ये पूरा देख समझ के, यू नो, मैं कर सकती हूँ. लेकिन खाना बनाना वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता. बट जब मैं बनाती हूँ तो पर्सी को भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा. और मैं थोड़ी स्पाइसी फूड ज़्यादा बनाती हूँ, तो कोई नहीं, एक दो बार झेलना पड़ता है. यार मैं इतना तो कर सकता, पूरे लॉकडाउन में झेला है मुझे और मेरा खाना. सो एक सॉन्ग जो मुझे और पर्सी को बेहद पसंद है, वो दो लाइन में गाऊंगी. तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. पूरा गाना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आई डोंट रिमेम्बर द वर्ड्स नाउ क्लियरली. जब भी हम शादी करेंगे, हम बहुत ही, अगर हम अगर इसने हाँ बोला तो करेंगे, तो हम, और शादी की कोई उम्र नहीं होगी कभी भी, ओके तो कैसे, कैसे? बहुत ही ट्रेडिशनल सिंपल पारसी स्टाइल में वेडिंग करेंगे, क्योंकि हम दोनों पारसी हैं एंड हम अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए प्रॉपर पारसी वेडिंग, प्रॉपर पारसी जहाँ बहुत धमाल होती है, खाना पीना बहुत होता है, और एक रीति रिवाज से जो एक सिंपल वेडिंग होगी लेकिन बहुत ट्रेडिशनल होगी, ट्रेडिशंस के साथ, जहाँ मैं एकदम पारसी ब्राइड बन के बैठूंगी और पर्सी विथ हिज हमारे एक ट्रेडिशनल टोपी होती है एंड पूरा पगड़ी होती है, बिकॉज़ आई एम अ पारसी प्रीस्ट, सो वाइट पगड़ी होती है हमारे में, तो वो होगी, तो वो होगी. एंड बहुत खूबसूरती से, अच्छे से, व्हेनेवर